हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सारिका पारिक आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी सभी लोगों ने सजीव चीज़ों की बातें, उनकी कन्वर्सेशन तो सुनी होगी, पर क्या आपने कभी निर्जीव चीज़ों के बारे में सुना है कि उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती है, उनके भी कुछ भाव होते हैं, पर उनको समझने वाला चाहिए। तो एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि सुबह सुबह का टाइम था और जैसे ही मैं नीचे किचन में गई तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपस में बातें कर रहे थे। अब आपको हंसी आएगी कि वेजिटेबल्स भी कभी बातें करते हैं, फ्रूट्स भी कभी बातें करते हैं। यस, मैंने उनकी बातों को, मैंने उनके अनुभव को, उनकी जो आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी उसको बड़े बारीकी से और ध्यान से सुना और मुझे लगा यार बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं भी आपको उसका थोड़ा सा चीज़ बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ थी। हुआ क्या कि जैसे ही मैं एंटर हुई तो वहाँ पर एप्पल, ग्रेप्स, भिंडी, लौकी, टोमेटो, पोटैटो ये सब आपस में बातें कर रहे थे और उसमें से जो एक शिमला मिर्च थी उसने धीरे से बोला कि यार मुझे तो बड़ा पेन है। तो बाकी सबने पूछा क्या पेन है, तो उसने बोला कि भाई ऐसा है कि देखो लोग बाग अपनी सेहत का तो ध्यान नहीं रखते हैं, हमारी भी सेहत को खराब कर रखा है और इतना पेस्टिसाइड डालते हैं कि देखो कैसी दशा हो गई है, देखो मेरी शक्ल देखो कैसी हो रखी है। सबने बोला हाँ हाँ हाँ, वाकई में ये प्रॉब्लम्स तो हमारी भी है। एप्पल ने भी ऐसा बोला कि देखो ना हमारे ऊपर तो वैक्स लगा के चमकाने की तक कोशिश करते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हम उनको मना तो कर नहीं सकते क्योंकि वो इस चीज को समझते नहीं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि ये सब चीजें उनको कितनी नुकसान कर रही है। तो इस तरह की आपस में सारी बातें चल रही थी। तो पास में जो सिंक के अंदर जो नल लगा हुआ था वो भी ये सारी बातें सुन रहा था। तो ये सब बातें सुन के उसको भी बड़ा मतलब यूं पेन हुआ और उसने कहा यार मैं आप सब की बातों से सहमत हूँ, पर आपको क्या पता है जो मेरा पानी है वो भी बहुत दूषित हो चुका है। अब आप पूछोगे कैसे, अरे मेरे पानी में भी सारी चीजें इन्होंने मिला के मेरे पानी को दूषित कर दिया है, एसिडिक कर दिया है। जब लोग बाग मेरे नल का पानी पीते हैं और उसको यूज करते हैं तो मैं बड़ा ही दुखी होता हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सबने यस यस बोला, हाँ आपकी बात बिल्कुल राइट है, हम पूरा सहमत हैं और हम आपकी बात से बिल्कुल बिल्कुल एग्री हैं। तो ये सारे किचन में इस तरह की बातें चल रही थी और मैं भी उनको बड़े आराम से सुन रही थी और बड़ा दर्द भी था मुझे कि मैंने कहा यार एक जो सजीव इंसान है वो इन चीजों को नहीं समझ रहा है जो एक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एक नल का पानी समझ रहा है। इतने में क्या होता है, मेरे किचन में एक किचन किंग भी है और वो है मेडिकल डिवाइस एनर्जी कंपनी का कैंगन मशीन। ये सब उन बातों को सुन रहा था। तो कैंगन मशीन ने बोला, अरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप लोग क्यों दुखी होते हो, मैं हूं ना आपके किचन में और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। तो फ्रूट्स ने बोला, एप्पल ने बोला आप कैसे सॉल्व करेंगे। वहां पर कैंगन मशीन था, उसने बोला कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा जो जन्म है वो जापान में हुआ है और मैं एक मेडिकल डिवाइस हूँ और मेरे से 5 तरह के पानी निकलते हैं। तो नल ने पूछा अभी ऐसा कौन सा पानी है जो तुम 5 तरह का पानी निकालते हो और वो क्या असर करता है। तो कैंगन डिवाइस ने बोला कि फर्स्ट मेरा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो है 8.5, 9 और 9.5 पीएच का पानी होता है जो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर कहलाता है और ये हमारी बॉडी में ये क्योंकि बहुत ही पतला पानी होता है क्योंकि बाकी जो सारे आप नल का पानी को भी पीते हो तो वो बहुत भारी होता है, वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है जबकि ये 4 से 5 मॉलिक्यूल का ही होता है। तो वो अपनी बॉडी में जैसे ही जाता है पतला पानी इजीली सभी जगह एब्जॉर्ब हो जाता है और सबसे बढ़िया बात है कि हमारी बॉडी जो एसिडिक होती है उस एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म कर देता है, बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। और आपको शायद पता ही होगा कि जितनी भी बीमारियों की जड़ है वो है एसिडिक चीजें जो हमारी बॉडी में पड़ी रहती है। तो पहला काम तो मेरा ये है कि मैं सबको एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर देता हूँ। दूसरा आता है पानी मेरा 7 पीएच का जो मेडिकल मतलब मेडिकल की जितनी भी चीजें हैं, मेडिसिन वगैरह है, उसमें 7 पीएच का पानी ही काम में लिया जाता है। तो जब भी हम मेडिसिन लेते हैं और 7 पीएच का पानी काम में लेते हैं तो मेडिसिन बहुत जल्दी ही हमारे शरीर में सभी जगह पहुंच जाती है और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। और दूसरा हम छोटे बच्चों को भी उसको पिला सकते हैं। तीसरा जो पानी आता है वो है ब्यूटी वाटर। आप कहोगे कि यार ब्यूटी कौन सा, क्या वो कुछ फेशियल वेशियल कर देता है, कुछ कर देता। अरे भाई हाँ हाँ सुनो, बता रहा हूँ वो भी सुन लो तुम, क्योंकि जो बाहर का जो भी पानी आता है वो हमारे सारे बालों को खराब कर देता है, स्किन को खराब कर देता है।
तो मेरा जो पानी होता है, जो ब्यूटी वाटर है, उसको आप हेयर स्प्रे अपने बालों पे अच्छे से हेयर पे लगा सकते हो। एक वो टोनर का काम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, एकदम रूखी बेजान त्वचा नहीं रखता। तो ये जब आप लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरे ब्यूटी वाटर में कितना दम है, पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट जो मेरा आता है 11.5 pH, जिसको कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो बोल रहे हैं ना कि हमारा क्या है, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है। अरे भाई, आपकी जिंदगी खराब नहीं हुई है, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर है, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर जितना भी पेस्टिसाइड लगा हुआ है ना, उसको पूरा बाहर निकाल देगा। और आपको एक चीज और बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा कि पेस्टिसाइड ही कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और जब पेस्टिसाइड रिमूव हो जाएगा तो सोचो आप अपनी फैमिली को कितना सिक्योर कर दोगे। लास्ट जो मेरे में से जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग चीज है, वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री कर देता है। आप चाहे अपने हाथों को सैनिटाइज करो या अपने किचन को साफ करो, कहीं भी उस पानी का यूज करो, कहीं भी वो पानी हार्मफुल नहीं है। फिर नल ने पूछा कि भी ऐसा है, स्ट्रॉन्ग तो पानी हमारे में से भी निकलता है। तब मेडिकल डिवाइस ने ये बोला 2.5 pH का जो पानी, स्ट्रॉन्ग पानी जिसको बोलते हैं, वो जितनी भी स्किन डिजीज होती है उस पर अगर आप लगाते हो तो बिना किसी दवाई के धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि पानी भी इतनी बड़ी मेडिसिन का काम करता है? यस, करता है। तो दोस्तों, मैंने तो अपने घर में हमारा जो मेडिकल का राजा है, कैंगन डिवाइस है, जिसको लगा के रखा है, और मैंने अपनी फैमिली को सिक्योर किया। इवन आजू बाजू समाज में जितने भी लोग हैं जिनको भी मैं पानी पहुंचा सकती हूं, और जितनी भी फैमिलीज को मैं सिक्योर करना चाहती हूं और लोगों की हेल्प कर सकती हूं, उतना मैं कर रही हूं। और ये डिवाइस जब भी कहते हैं ना कि जिसके घर में लग जाता है तो वही उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अपना आपको थैंक यू देती हूँ। और इस कैंगन डिवाइस के बारे में जो भी जानकारी अगर कोई लेना चाहता है तो प्लीज़ मेरे से संपर्क।